देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। सड़क परिवहन व राज्य मंत्रालय हाई विस्तारीकरण योजना के तहत राजपाली के मंडल भीलवाड़ा से लगाकर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 158 का निर्माण कराया जाएगा। चार जिलों से गुजरने वाले इस हाईवे के लिए 8 तहसीलों से 400 हेक्टेयर भूमि के ऊपर इस कार्य को शुरू किया जाएगा। 485 करोड़ की लागत से हाईवे DPR 2 लेन विद शोल्डर यानी 10 मीटर चौड़ाई का तैयार किया जाएगा। विस्तार हाईवे की सूचना के लिए मंत्रालय को भेजी जा चुकी है। मॉडल के रास के लिए ज़्यादातर सिंगल रोड ही हैं, कई जगह कच्चा रोड भी हैं। वहीं ब्यावर भीलवाड़ा परिस्थित ब्राह्मणों की सरेसी कस्बे से करीब 1 किलोमीटर के दायरे में रोड टूटने से बड़े बड़े गड्ढे होने से ग्रामीण भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस कस्बे में कई सैकड़ों वाहन होकर गुजरते हैं। टूटी सड़क के कारण कई राहगीर सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवा बैठे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई जनप्रतिनिधि अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। जिले के ग्रामीणों में भारी रोष भी व्याप्त था। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 158 परियोजना भूमि अवाप्ति की संबंधित सर्वे के साथ ही मंत्रालय को मौका जांच प्रमाणीकरण और तहसीलदार को रिपोर्ट मिल गई है। मंत्रालय में भूमि अवाप्ति कार्य शुरू कर दिया है। मांडल, आसीद, बदनोर, भीम, ब्यावर, जैतारण व रायपुर क्षेत्र की जमीन अवाप्त हो चुकी है। इस हाईवे के निर्माण कब तक होगा, लेकिन ब्राह्मणों की सरेसी कस्बे के 10 वर्षों से टूटी सड़क से गुजरने वाले राहगीर मजबूर है। ब्यावर भीलवाड़ा स्थित इस नेशनल हाईवे पर ब्राह्मणों की सरेडी कस्बे में करीब 2 किलोमीटर तक सड़क क्षतिग्रस्त एवं टूटने से लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों को सूचित अवगत कराने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया और इस राजमार्ग पर हमेशा सैकड़ों की संख्या में वाहन गुजरते हैं। इस हाईवे पर रोजाना आए दिन दुर्घटना होती रहती है, लेकिन अभी तक परिवहन विभाग या अन्य किसी अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने इस सड़क की सुध नहीं लेने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। भीलवाड़ा से सुरेश चंद्र मेघवंशी की रिपोर्ट। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज़ टीवी इंडिया पर।